लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई कमाल है, दुल्हन तैयार होकर आ गई, दूल्हे का पता नहीं। आप जरा जल्दी दूल्हे को लेकर आइए। जी मैं अभी देखता हूँ। अरे पगड़ी बांधना यार, क्या कर रहा है तू? अरे कमाल हो गया, दुल्हन मंडप में तैयार बैठी है, दूल्हे का कुछ पता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, डेढ़ घंटे तो मेरे सर पर पगड़ी नहीं बांध पा रहा है। अरे सर, लेकिन आपके सर पे पगड़ी अटकती नहीं तो मैं क्या करूँ? एक चक्कर घुमाकर कसने की कोशिश करो तो स्टीयरिंग ट्रैग घूमकर निकल जाती है। तो एक काम कर, मेरे सर पे कीला ठोक दे, उस पर पगड़ी बांध देना, उल्लू का पट्टा। अरे तूने क्या बोला था पिछले महीने? मैं आपको ऐसा तेल ला के दूंगा, आप लगाएंगे तो सर पे इतने बड़े बड़े बाल हो जाएंगे। 50,000 रुपया लिया तूने मेरे से, किधर होते? चले बने राम जी, देर हो रही है। अबे तो मैं क्या करूँ, ये तरबूज जैसा सर लेके मंडप में पहुंच जाऊँ, वो भाग जाएगी, उसको मालूम नहीं कि मैं टकला हूँ। अरे सर, पगड़ी कुमारी गोली सेहरा ही बांध कर चल दीजिए। ये शादी कैंसिल हो जाएगी, रात को मेरे को देखते ही भाग जाएगी। चलो बांधो सेहरा। सेहरा कहाँ है? कहाँ है सेहरा? कहाँ है सेहरा? मैंने तो तेरे को दिया था यार, तेरे को दिया था। मतलब पिछली बार तेरे पास था, सेहरा भी रहा है इसको दिया था। अरे लानत है यार, मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। एक मिनट गोनी, क्या है? अरे उठना। अरे तेरा सत्यानाश, बताओ, यानी आप अपना इतना बड़ा पतीला मेरे सेहरे पर रख के बैठे हुए थे? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे का ही सेहरा है ना, तो क्या हुआ? कुर्सी खींच के मारूंगा अभी। 20 मरतबा मेरी शादी कैंसिल हो चुकी है, 18 मरतबा तेरे हाथों कैंसिल हुई है। अरे पिछली बार दुल्हन के पैर पे पैर रख दिया, वो मंडप में पहुंचने की वजह सीधा अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद केले के छिलके पे फिसला तो सीधा उड़ के पंडित पे गिरा, वो बेचारा वहीं चपटा हो गया, सीधा शमशान घाट पहुंच गया। गोनी, अगर आज मेरी शादी कैंसिल हुई ना तो मैं तेरे को 1 टन बारूद खिला दूंगा, सीधा अंगीठी पे बैठा दूंगा, फिर समझ ले तेरा क्या हाल होगा। जल्दी कीजिए मंदिर राम जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या यार, क्या ये सेहरा, ये जमीन पोछने का कपड़ा है? अब मैं ये बदबूदार फूल अपने मुंह पे लगा के शादी करने जाऊंगा, तेरा सत्यानाश हो। अरे जाओ जाओ, 10 सेकंड रह गए मुहूर्त को, जाओ। चल दे रहे हैं, ये क्या करूं यार, ये सेहरा मैं लपेट देता हूं सर। अरे मेरे बालों से मरती है, उसको मालूम नहीं है मैं टकला हूं, अगर मालूम पड़े तो शादी नहीं करेगी यार। क्या बात है तेरा, लपेटा टकला दिखे नहीं, दिख नहीं रहा है यार, अंधा बना दिया। चलो लेके चलो मेरे को, आज मेरी शादी हो जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम लोगों के पांव धो के पीऊंगा। मैं ठीक यार, क्या फोन? हेलो, बुड्ढा घर पे है? क्या कोई औरत है? पूछ रही बुड्ढा घर पे है? अबे रख ना जल्दी रख यार, ये बहुत बदमाश औरत है, 20 मर्दों मेरी शादी कैंसिल करा चुकी है औरत। अरे मालूम है चाप, तेरे को मालूम, मेरे को मालूम थोड़ी है। उसका नाम रानी है, मैं उसका फोटो नीचे दिखाऊंगा, उसको घर के अंदर आने मत देना, चारों तरफ जासूस को तरह पहले रहना। आप चिंता मत कीजिए सर, आने वाली हर औरत हम नजर रखेंगे। काहे के लिए? आपके लिए सर। शादी कैंसिल करो या क्या? अच्छा चलो चलो चलो, 5 सेकंड रखें, चलो चलिए आइए, संभाल। अबे क्या करते हो यार? चलो खड़े हो जाओ। ठहरो, यहाँ बैठने की ताकत नहीं, खड़े कैसे हो जाओ? 2 मिनट। हेलो डैडी। हेलो, ये आपके बच्चे? अरे पंडित के बच्चे यहाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? डैडी आप शादी शादी खेल रहे हैं? कौन डैडी, तेरा दिमाग खराब है? आपको चश्मा लगा, उल्लू का पट्टा। डैडी मैं वो लड्डू खाऊं? इतने सारे बच्चे, इसका मतलब आप शादीशुदा हैं? नहीं यार मैं नहीं, ये झूठ बोलता है। कौन है तुम लोग? मेरे को पहचानता भी नहीं, कौन है? आप हमें नहीं जानते डैडी। अरे कौन है यार, गले पड़ने को आ गए, कौन है तुम लोग? डैडी मैं आपका मुन्नू। डैडी मैं आपका फुट्टू। कौन फुट्टू? डैडी मैं आपका राजू। और मैं सीता। डैडी मैं सीता। नहीं नहीं, और मैं पप्पू। राम राम, ये तो पाप है। अरे काय का पाप, मैं इनको पहचानता नहीं, कौन है तुम लोग? चलो ना डैडी, मम्मी बुला रही है। अबे मम्मी बुला रही तो अपने पाप को लेके जा, मेरे को काय को लेके जा रहा है? ऐसे पापी, क्या एक मिनट रुकना, अपना धर्म भ्रष्ट करना है। अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या है बे, यहाँ क्या कोरस में गाना चल रहा है क्या? पंडित जी पिताजी, चुप। अरे सासू जी, सासू जी, सासू जी, क्या बे, अरे कौओं की तरह है, शादी पर बात करके चले गए खबीर लोग। अब ये मंडप को लगा रहन दू के निकाल दू? नहीं, बहुत सालों से लगा ना इसलिए। शाबाश बच्चों, शादी कैंसिल हो गई ना, ये लो पकड़ो। अब दोबारा शादी कैंसिल करवाने कब आए दीदी? नहीं नहीं, तुम लोग मत जाना, वरना वो बुढ़ाऊ पकड़ लेगा। चलो जाओ जाओ। शादी की बर्बादी हो गई ना, तू खुश हो रही है? रट, मैं जब तुझसे झगड़ा करने आता हूँ, तू सर पे पल्लू डाल के मेरे पैर छूने चली आती है।
तुम मेरे स्वामीनाथ? अरे मैं कोई स्वामीनाथ, प्रेमनाथ, राजेंद्रनाथ नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो, तुम्हारी मंगनी की पहनाई हुई अंगूठी अब तक मेरी उंगली में है। ये मंगनी की अंगूठी उठा के गटर में फेंक दो और मेरी वार्निंग सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अजी कैसी वार्निंग देने आए हो, इस खकड़े हुए बुढ़ापे में किसी और से शादी कर लोगे ये? अच्छा, सारी जवानी तो तुम पर निछावर कर लीजिए मैंने, फिर मेरे को मिला क्या? जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर तुम्हारे घर आया तुम्हारे बाप से शादी की बात करने के लिए, तो वो साला इतनी बड़ी बंदूक लेके मेरे पीछे दौड़ा, 20 पहलवान लेके, 40 इतने बड़े बड़े कुत्ते लेके। ये तो अच्छा हुआ मैं क्रिकेटर के गार्ड्स बांधा हुआ था, ये हाँ। तो कुत्ते मेरा इतना बोझ नोच लेते, जल्दी दिखा रहे। मेरे को शहर से भगा दिया, मैं भागते भागते दूसरे शहर में चला गया। भूखा मरने लगा, मैंने सोचा कोई धंधा करना चाहिए। मैंने धंधा किया, पैसा कमाया, कमाता गया। किसी देखा ना, तू क्या कर रही है? मैं गानी सुना रहा हूँ, म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ। सुनाइए। बहुत पैसा कमाया मगर पता चला कि कमाते 20 साल गुजर गए। पैसा आया मगर बाल चले गए। अरे अरे, दौलत आई मगर जवानी चली गई। और अब इतनी बर्बादी होने के बाद तू चाहती है मैं तेरे साथ ही शादी करूं फिर? अरे मेरे बाप के गुनाहों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? जब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने तुम पे कुत्ते छोड़ दिए थे, तो मैंने उसका घर छोड़ दिया और तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारे इंतजार में बैठा। काय को पहना मंगलसूत्र मेरे नाम का? क्योंकि भारतीय नारी एक बार जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है उसके लिए उम्र भर इंतजार करती है। अरे ये सब फिल्मी डायलॉग है, मेरे को नहीं सुनना। मैं खाली तेरे को वार्निंग देने आया बुड्ढी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। अबे कैसे नहीं करेगा रे घुसर? तूने मेरा गिरेबान पकड़ी? अरे अभी तो सिर्फ गिरेबान पकड़ा है, तू शादी तो करके देख, मैं तेरा गला पकड़ लूंगी। तू मेरा गला पकड़ेगी? हाँ, तू औरत जात को समझता क्या है? मैं तेरे टुकड़े करके बोटी बोटी करके किसी कुत्ते को खिला दूंगी। कुत्ते को क्यों, मैं खुद खा जाऊंगी। तू मेरी बोटियां खाएगी? अभी तू देख मैं तेरे सामने शादी करके बताता हूँ। अरे ये नकली मूछे, ये नकली बाल लगा के शादी करने चला है क्या? तूने मेरी भवे मूछी निकाल डाली, आईना है? अरे मत देख, घबरा जाएगा देख। क्या बात करती है? तेरे बाप ने मेरे घर पे बुलाकर मेरी इज्जत निकाली थी, तूने मेरी भवे मूछे निकाल डाली है, अब मैं शादी करके रहूंगा, देखते रहना। अरे जा जा, कैसे करता है शादी, मैं भी देखती हूँ साला। आज जिंदगी में पहली मरता मेरे सर पे पगड़ी टिकी है, इसका मतलब शादी कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। वाह मनीराम वाह, बहुत अच्छे। अरे पटली वाला, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, अचानक आज इतने दिनों बाद मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है ना। जाहिर बात है, आज दरअसल मेरी जिंदगी में डबल हैरानी का दिन है। देखो ना, तुम यहाँ कभी नहीं आए, पहली मरतबा आ रहे हो, और मेरी शादी 50 मरतबा कैंसिल हुई, कभी नहीं हुई, आज पहली मरतबा हो रही है। हाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ, एक भाई दुख में डूबा हुआ है और दूसरा खुशियां मना रहा है, वाह। कौन दुखी? धनीराम? हाँ धनीराम, मेरा क्लाइंट होते हुए मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर धनीराम, और तुम्हारा भाई होते हुए तुम्हारे लिए कोई हैसियत ना रखने वाला धनीराम। पर उसे क्या दुख है? उसके बेटे हैं, बेटी है, बहू है, वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी, उसको क्या दुख हो सकता है? मनीराम तूने अपनी सारी जिंदगी लड़कियों के पीछे भागने में और उनसे शादी करने के चक्कर में गवा दी, तुझे क्या मालूम कि बच्चों का सुख क्या होता है और बड़े होकर जब वो सुख छीन लेते हैं तो उसका दुख क्या होता है? यार तू पहले मत पूछा, बता ना क्या हुआ मेरे भाई को? घर उजड़ गया, उसकी सारी औलादें उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। आज से तू मेरे साथ है ना? हर घड़ी हर कदम पर। तो आज से जंग शुरू, मेरे सीधे और शरीफ भाई की हरामी औलाद के खिलाफ हम लोगों की जंग शुरू। क्या करे, तो चल मैं कल ही बंबई पहुंचता हूं। मनीराम जी जल्दी कीजिए, शादी की शुभ घड़ी बीती जा रही है। नहीं पंडित जी, शादी कैंसिल। क्या तुम और शादी कैंसिल? जी आज तक लोग मेरी शादी कैंसिल करते आए हैं, आज मैं खुद अपनी शादी कैंसिल करके जा रहा हूं। तो मालूम, और ये नकली मुझ भी संभालो। हेलो बुड्ढा घर पे है? अरे तेरा सत्यानाश वहां है,
और आज अपनी शादी खुद कैंसिल करके जा रहा है, इडियट। मालिक, मालिक, आपके भाई मनीराम जी आए हैं। कौन है? मनीराम जी। मनीराम? हाँ। कहाँ? बाहर नीचे कमरे में। मनी? परसों बात मिला है रे मनीराम। हाँ भैया, दिल के चक्कर में ऐसा फंसा रहा कि बचपन कब गुजरा और पचपन का कब हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, मगर जब बाटी वाले के जरिए ये पता चला कि मेरा भाई दुखी है, तुम्हें दौड़ा चला है। ए, आंसू पोंछ के चेहरा मत छुपा, तेरी तो परछाई से दर्द की आवाज आ रही है। मैं थक गया हूँ भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं तुझे समझाते समझाते थक गया हूँ। जमाना बदल गया है प्यारे। वो पहले जमाने की बात है जब तुम किसी पे एहसान करो तो दुनिया तुम्हारे एहसानों के बदले बिक जाती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर तुम किसी पे एहसान करोगे तो दुनिया तुमको ही बेच डालेगी।